नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। मेरे मित्र, आज हम जानकारी देंगे कि हम जब भी हीरो की बाइक बनाते हैं तो उसमें बहुत समस्या होती है लीकेज की। लीकेज प्रॉब्लम के लिए हम एक पैकिंग यूज करने लगे हैं। पहले तो हमको जो यहाँ पर मिल जाती थी सस्ती मद्दी वही पैकिंग लेते थे, लेकिन इस समय क्या होता है कि हम जो पैकिंग यूज कर रहे हैं वो पैकिंग यानी साइमन है, साइमन पैकिंग है, और ये इतनी अच्छी होती है कि इसमें किसी भी प्रकार से लीकेज का डाउट नहीं होता कि ये हम लगा रहे तो इसमें लीकेज हो जाएगा, इसलिए परेशानी होगी। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप जिस प्रकार हम इसको यूज करते हैं उस प्रकार आप भी यूज करते हैं। अब इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं वो इंजन बांध रहे हैं, हम इंजन बांधते समय दिखाते हैं यानी क्या क्या समस्या आती है उसके विषय में। जब भी मेरे मित्र, उसके साथ साथ हम जैसे इंजन तो बांध रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब मेरे मित्र इंजन हीरो की बाइक में तीसरा गियर छोड़ने की प्रॉब्लम अक्सर होता है, और जब तीसरा गियर छोड़ने की प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है, अगर ये गियर फार कट जब भी जाता है थोड़ा बहुत, ठीक, अक्सर कट जाता है, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर गियर फार हल्का फुल्का कटा हो तब भी, यानी यहाँ पर सिर्फ क्या होता है जो वाशर यहाँ लगती है वाशर न लगा करके, और यहाँ पर दो वाशर लगा करके, यहाँ दो वाशर लगा करके और ऐसे सेट कर देंगे इस तरीके से, ठीक मेरे मित्र, दो वाशर यहाँ लगा दिए वहाँ कोई वाशर न लगाया, ठीक। तो इस प्रकार से ये बढ़िया फर्स्ट क्लास काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको ये अंदर से इसको स्पेस मिल जाता है अच्छा सा और ज़्यादा अंदर तक चला जाता है, ठीक, क्योंकि वो वाशर की जगह पर भी अंदर आ गया, ठीक है, और वाशर होता तो थोड़ा ऊंचा रहता है। अगर ऐसे रहेगा तो ये जो कि पकड़ेगा तो वो कम पकड़ में आएगा, ठीक है, लेकिन अगर क्या है कि वाशर हटा देते हैं तो ये पकड़ ज़्यादा पकड़ बनाता है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं और किसी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं आई कि गियर कोई फंसे छोड़े प्रॉब्लम करे, कुछ भी नहीं। जिन गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आई हमने इसी प्रकार से सही किया। अब यहाँ पर गियर बिल्कुल सेट करना है तो हमने यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देना है, ठीक। ये साइमन पैकिंग है मेरे दोस्त, और इसकी हम क्वालिटी दिखाते हैं एक बार कि किस क्वालिटी की है, यानी इतनी आप देखिए जो ये एक लेयर बना के दिया है कंपनी, ये लेयर सभी कंपनी की पैकिंग में नहीं होता है लेकिन ओरिजिनल में ही होता है। अब मेरे मित्र देखिए, इसमें जो ये लाइनिंग बनी है इस लाइनिंग से बिल्कुल लगता है बिल्कुल कहीं से भी लीकेज नहीं होगा, और इस क्वालिटी में देखिए जिस प्रकार से ओरिजिनल, क्योंकि ये ओरिजिनल में ही पैकिंग इस तरीके से होती है और वो ओरिजिनल वाली ही पैकिंग है, क्योंकि हमने इस कंपनी से बात किया तो उन्होंने कहा कि ये हीरो और हांडा में दोनों में ये OEM होती है यानी ओरिजिनल होती है, ठीक है। और ये लाइन जो है वो सिलिकॉन की लाइनिंग है ये मेरे दोस्त, ठीक, और ये टेक्नोलॉजी जो है वो जर्मनी की टेक्नोलॉजी, जर्मन टेक्नोलॉजी से बनी हुई पैकिंग है, ठीक है। अब देखिए इसकी फिटिंग हम आपको दिखाएं एक बार, आप देखिए कितनी यानी बेहतरीन तरीके से, यानी फिटिंग आप देख लें एक बार कितने अच्छे ढंग से यानी फिट हो गया है, कहीं से कुछ भी ढीला नहीं, कहीं कुछ भी लूज नहीं, और बिल्कुल हर एक जगह पर यानी बिल्कुल फिक्स, और ऐसे में कहीं कोई लीकेज नहीं होता। मेरे मित्र जो ये पैकिंग की ये जो यानी सिलिकॉन की लाइनिंग है, इससे क्या है कि ज़रा बहुत अगर कहीं पर लूज भी है तब भी ये बिल्कुल पूरी तरह से एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और कोई भी पैकिंग अगर उसकी फिटिंग अच्छी आ जाती है तो वो भी बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा रहता है। मेरे मित्र क्या होता है जब हम पैकिंग कोई भी लेते हैं तो उसकी जो ये इसकी मोटाई होती है अगर ये कम होती है तो इसके कारण क्या होता है लीकेज की भी प्रॉब्लम आता है, और लीकेज के साथ साथ इसकी टाइमिंग चैन भी यानी जल्दी जल्दी ख़राब होती है, ठीक है। तो ये थोड़ी जितने होना चाहिए उतना हो तब तो ठीक, और उसके साथ साथ अगर लीकेज होती है तो अक्सर यहाँ से ज़्यादा लीकेज होने के चांस होते थे। यहाँ पर कंपनी ने एक पैकिंग एक लेयर बना के डाला है जो जो सिलिकॉन की लाइनिंग होती है वो होता है, ठीक है। मेरे मित्र देखिए फिटिंग कितनी बिल्कुल बेहतरीन होती है कि कहीं से कुछ भी आपको समस्या ना हो, बिल्कुल कहीं से भी यानी बिल्कुल एक एक होल बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास, और यहाँ की भी पैकिंग देख लीजिए लगाया है तो कहीं से भी आपको महसूस ना हो कि बहुत उभरी हुई, बहुत ज़्यादा दिख रही, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही, तो वो भी नहीं। मेरे मित्र देखिए ये पैकिंग हमको क्या हुआ, मेरे मित्र देखिए क्या होता है, कभी हमको जब ज़रूरत पड़ी थी ऑयल पम्प की पैकिंग तो हमने कई पैकिंग में खोजा तो बड़ी मुश्किल में एक आध पैकिंग मिली, वो भी
यानी इतनी अच्छी फिटिंग की नहीं, किधर इधर कहीं निकला हुआ है, थोड़ा इधर निकला है, लेकिन ये देखिए कभी अगर ज़रूरत पड़े तो आप देखिए इतनी बढ़िया इतनी बेहतरीन फिटिंग का पैकिंग है कि आप समझें कि यानी ये जो इस तरीके से पैकिंग होती है तो इससे कहीं आपको डाउट नहीं होगा कि एल्बम पूरी तरह काम करेगा कि नहीं काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैकिंग सिर्फ क्या होता है कि ओरिजिनल में ही यानी इस प्रकार से आता है। मेरे मित्र देखिए पैकिंग निकाली नहीं मैंने, बिल्कुल उसी के ऊपर है और लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ठीक। मेरे मित्र देखिए इसकी कैसी कितनी बेहतरीन बिल्कुल फिटिंग आ रही है। मेरे मित्र देखिए इसकी जो फिटिंग है यानी आप समझिए इस प्रकार से है, एक जो सिलिकन की लेयर लगी हुई है, हाँ सिलिकन की यानी लाइन सिलिकॉन की जो लाइनिंग बनी है ये बहुत ही बेहतर, यानी कहीं से भी अगर बोल्ट लूज है तो यानी वो लीक ना हो सके, तो इस प्रकार से इसकी फिटिंग कितनी बेहतरीन आती है। मेरे मित्र देखिए सिलेंडर गैस्केट कितनी ही अच्छी से, और ये एक जो इसमें इस तरीके से मेटल यूज किया गया है जिससे कि यानी लीकेज ना हो सके, ठीक है, वो पूरी पकड़ बना सके। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी फिटिंग है और यहाँ पर भी कितनी अच्छी फिटिंग है। तो मेरे मित्र हमारा मेन उद्देश्य था वीडियो बनाना कि हम बनाने का कि हम आपको पैकिंग के विषय में जानकारी दें जिससे कि आप मैकेनिक भाई लोग जब आप परेशान होते हैं तो अगर सही चीज़ आपको मिल जाए तो उसमें आपको परेशानी ना हो, ठीक। और इसमें क्या होता है पैकिंग के ही ऊपर एक टोल फ्री नंबर होता है मेरे मित्र, उससे आप यानी आप इसे संपर्क कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अगर कानपुर में चाहिए तो वीरभद्र के नाम से यहाँ पर एजेंसी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और मेरे पास से भी ये पैकिंग थोड़ी बहुत मिल जाती है, तो ये पैकिंग आपको इस तरीके से मिल सकती है मेरे मित्र। और ये जो इसमें टोल फ्री नंबर है 1800, ठीक, फिर 88 90 39, ये इसका टोल फ्री नंबर है जिससे आप कॉल करके यानी बात कर सकते हैं मेरे मित्र, ठीक। तो आप समझिए हमारा मेन उद्देश्य जो था वो पैकिंग के विषय में ही जानकारी देना था जो हमने आपको बताना चाहा। मेरे मित्र हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।